नाम बैग को इतना ज़्यादा फील हो। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिक्योरिटी अलार्म के बारे में जो हम बाइक में फिट करते हैं। जैसे कि ये है, ये मैंने बाजार से परचेज किया है। इसमें हमें दो चाबी मिल जाती है हमें, एक हमें अलार्म मिल जाता है, ये जो इसका ब्रेन होता है वो है, और ये एक और स्पीकर हो जाता है और कुछ वायर्स हो जाती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, ये है जो वायर हमें इसे कनेक्शन करना है, जो रेड वाली है मैं आपको बता देता हूँ, जो रेड वाली है इसे हमें पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ब्लैक वाली को नेगेटिव से, जो येलो वाली है दोनों इसको हमने दोनों इंडिकेटर से कनेक्ट करना है, और जो ब्लू वाली है वो हमने इसे इग्निशन कॉइल से कनेक्ट करना है, और जो ऑरेंज वाली है हमें इसे इंडिकेटर फ्लैशर से कनेक्ट करना है। तो आइए हमें आपको बताते हैं कि हमने कैसे कनेक्ट करना है। आइए, हमने ब्लैक वायर को करना है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। आप इसे खोल के भी कर सकते हैं, इस स्क्रू को खोल के, मगर मैं थोड़ा हरी अप में हूँ इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए बाहर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये बाद में मैं खोल कर लूँगा। ठीक है गाइस, ये है सीपीयू, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है, ये है फीमेल सॉकेट, और ये है स्पीकर, ये एक स्पीकर का है, ये दूसरे स्पीकर का। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं, हमने इसे ऐसे कनेक्ट करना है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें पावर आ जाएगी। अब इसमें पावर आती है, और ये है जो सायरन, इसे भी हमने इसे कनेक्ट कर देना है। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ये ठीक चल रहा है या नहीं। ये इसकी कीज है, ये चल रहा है गाइस, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमें इसकी फर्दर फिटिंग करेंगे। गाइस, मैं इसे यहाँ पर फिट करने वाला हूँ, यहाँ पर, ये ठीक रहेगा, बाद में इसमें अच्छी तरह फिट करूँगा। जो येलो वायर्स हैं ये इंडिकेटर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हमने ग्रीन वाली वायर के साथ कनेक्ट करनी है, ब्लैक के साथ नहीं करनी, क्योंकि ग्रीन वाली पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाली नेगेटिव, तो इसे हमने बंद कर देना है। और इसमें भी ग्रे वाली के साथ करना है, ब्लैक वाली के साथ नहीं करना। हमारी दो वायर्स बच गई हैं, जो ब्लू है हमने इग्निशन कॉइल के साथ कनेक्ट करनी है। फोकस मार ले गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वीडियो बनने में थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने इसे फ्लैश जगा ली है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इग्निशन कॉइल की वायर के बारे में। तो आइए गाइस, हमने इग्निशन कॉइल की वायर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर गाइस, ये यहाँ पर आपको इग्निशन कॉइल की वायर मिलेगी, एक ब्लैक और एक रेड है, आपको ब्लैक में कनेक्शन करना है, आपको ब्लैक में ये वायर इंसर्ट कर देनी है बस। ये गाइस, आपको बताता हूँ कैसे करनी है। ये हमने इंसर्ट कर दी, ये हो गई, और एक हमारा कनेक्शन रह गया फ्लैशर की वायर के साथ। गाइस, ये जो ऑरेंज वायर है आपने फ्लैशर खोलना है, फ्लैशर ये होता है, इसकी आपने ऑरेंज वायर में इसके साथ कनेक्शन करना है। यहाँ पर भी दो वायर्स हैं, एक ब्राउन है एक और ऑरेंज। ठीक है जी, ये ऑरेंज जो वायर होती है ये हमारी इग्निशन की वायर होती है, जो यहाँ से करंट आता है ना उसकी वायर होती है।
ये यहाँ पर हमने कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर हमें सभी कनेक्शन कर दिए हैं। हमें ये टेप मिलती है, बस आपको ये उतारनी है और यहाँ पर आप सायरन इजीली लगा सकते हैं, ये कहीं नहीं हिलेगा। बस सरफेस थोड़ा साफ होना चाहिए। इसके साथ भी आपको एक टेप मिलती है ऐसी, जो डबल साइड टेप होती है, ये काफ़ी अच्छी टेप होती है, M3 की टेप होती है। ये हमने इसके पीछे लगा देनी है और हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही जगह है, यहाँ पर लगा दीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा। और इसकी जो वायर्स हैं, और इसमें एक और फीचर आता है, और स्पीकर आता है जो हमें डायरेक्शंस बताता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। जब इंडिकेटर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट आवाज जाएगा, जब राइट करेंगे तो राइट जाएगा, ये फर्स्ट वार्निंग देगा कि डोंट टच माय बाइक, कुछ ऐसा बोलता है। तो इसका कनेक्शन ही हम यहाँ पर कर देंगे, ये ऑप्शनल होता है। वैसे मैंने अपनी बाइक में तो ये लगाया नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। अरे ये मेरे फ्रेंड की बाइक थी तो मैं उसके लगाने जा रहा हूँ, मे बी उसे अच्छा लगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो उतार देंगे, हमारा क्या जाता है यार इसमें। तो यहाँ पर हमने ये समेट लेना है, बहुत इजी है गाइस, ज़्यादा औखा नहीं है। तो आइए गाइस, हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। ये बटन है जो ये लॉक का है, ये अनलॉक का है, ये अलार्म का है और ये सेल्फ का है। तो हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं, लॉक करके देखते हैं। ये देखिए लॉक हो गया, अनलॉक करने जा रहे हैं, ये अनलॉक हो गया। अगर आप अलार्म जाना चाहते हैं, आप पार्किंग में हैं तो आपको आपका बाइक नहीं मिल रहा, तो आप अलार्म बजा सकते हैं, लाइट बता देता है। और ये है स्टार्ट का बटन, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बाइक को, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए स्टार्ट हो गया। अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा, अनलॉक वाले बटन से। गाइस एक बार और तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमें की मिली है ये एकदम प्लेन है, आपको अपनी की के अकॉर्डिंग आपको किसी शॉप पे जाना है और इस पर जो की शेप होती है वो बना देंगे, इजीली बना देते हैं वो, 100-200 रुपया लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और आप यही की अपने बाइक में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है गाइस। एंटी टैप अलार्म है, इसका आपको बहुत फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है, आपकी बाइक कोई चोरी नहीं कर सकता, और बहुत से फायदे हैं। अगर आपकी बाइक को कोई भी वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, आपकी बाइक खड़ी है आज, यार आपकी बाइक की कोई चाबी लगाता है, कुछ भी करता है, ये उसी वक्त बोलने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गई बाइक, ये मैं खुला रहा हूँ बाइक, ये देखिए, ये मुझे फर्स्ट वार्निंग मिली। अगर मैं फिर भी छेड़ता रहूँगा तो ये इसका सायरन ऑन हो जाएगा, देखिए, ये देखिए इसका सायरन ऑन हो गया, ये मैं बंद कर रहा हूँ। बहुत सी, अगर मैं इसकी चाबी भी लगाता हूँ, यहाँ पर मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये मैंने लॉक की हुई है, अगर मैं चाबी भी लगाता हूँ इसमें, ये देखिए, बहुत से फायदे हैं वायरिंग की। अगर आपकी एक ही वायर पे कट करता है तभी ये बोलने लग पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ मैं आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने आई बटन पे भी अपनी वीडियो के लिंक डाल दिए हुए हैं, आप ज़रूर जाके देखिए। और कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैंने अपना फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप ले सकते हो। ऐसे ही
नोटिफिकेशन आता है।